नमस्कार दोस्तों, टेक्टोनिक्स हिंदी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक और कार प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है गो मैकेनिक का पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, ये हमें हमारे कार में कार क्लीनिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या क्या मिलता है इसके साथ वो देखते हैं, और इसके क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो सब जान लेते हैं। ये अनबॉक्सिंग वीडियो है इसका, और इसके बाद एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें कि हम डेमो दिखाएंगे और रिव्यू भी करेंगे इस प्रोडक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसका फर्स्ट जो है वो है ब्रांड लेबलिंग, गो मैकेनिक एसेसरीज़ पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। मॉडल का देखिए न्यूट्रॉन 6000 है। जैसा कि मैं जानता हूँ, न्यूट्रॉन 4500 का भी आता है, 4500 मॉडल, उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए है न्यूट्रॉन 6000। ये इसका प्रेशर एक्चुअली डिपेंड करता है, कितना प्रेशर वाला मॉडल है ये, है ना। चलिए आगे और देखते हैं इधर क्या मिलता है हमें। हाँ, इसके साथ हमें जो केबल मिलती है, लॉन्ग पावर कॉर्ड है, तो उसका जो लेंथ है हमें मिल जाएगा 4.5 मीटर्स का, काफ़ी लंबा है। यदि इसके आगे में भी गाड़ी का लगा दिया जाए तो पीछे तक हम आराम से इसको सफाई कर सकते हैं कार की। दूसरा है विजिबल डस्ट कप है, इसका डस्ट कप जो है आगे वाला वो विजिबल है ना, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने से क्या होता है, हमें पता चलते रहता है कि कितना डस्ट एक्यूमुलेट हो चुका है इसमें, और जिसके बाद हम डिसीजन ले पाते हैं कि अब इसे खोल के हमें साफ़ कर देना चाहिए। तो विजिबिलिटी के कारण हमें सहूलियत होती है। थर्ड है थ्री मल्टी फंक्शनल एसेसरीज, तीन एसेसरीज के साथ मिलता है, अलग अलग नोजल्स फिटिंग्स आते हैं, मल्टी फंक्शनल इसको बनाता है, और कोने से कोने में जाकर ये अच्छे से सफाई कर देता है। इसका जो प्रेशर है वो 6000 पास्कल से भी ज़्यादा है, प्लस है ना, टोर्नेडो टाइप का है देखिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर है इसका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर है, जैसे कंपनी दावा कर रही है। तो जो डेमो देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तब हमें इसका सही अनुमान हम लगा पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। पोर्टेबल साइज़ है, जी हाँ, देखिए काफ़ी पोर्टेबल है ना, छोटा सा है कार के लिए, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत भी नहीं है। लो नॉइज़ है, मीन्स जब ये ऑपरेट करता है तो बहुत हैवी नॉइज़ क्रिएट नहीं करता है, लो नॉइज़ है तो इरिटेशन कम होता है। स्ट्रॉन्ग सक्शन है ना, नॉइज़ लो होना चाहिए, सक्शन में ज़्यादा होना चाहिए, तो ये इस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है। चौथी चीज़, मल्टी नोजल्स, मतलब मल्टी कनेक्टर्स में मिलना चाहिए, है ना, ताकि हर तरह के हर जगह से यह सफाई कर सके, चाहे इंटीरियर मोस्ट एरिया हो या एक्सटीरियर एरिया हो, हर जगह ये सफाई कर दे। तो जिसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के नोजल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इसके साथ हमें मिला है, आगे हम जब पैकेट खोलेंगे तो ज़रूर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट एंड ड्राई सक्शन, मीन्स इसको आप वेट कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज पानी वानी गिर गया गाड़ी के अंदर, मैट पे पानी आ गया, तो ये उसको भी शक कर लेगा, कोई चाय गिर गया, कोई जूस गिर गया, कुछ इस तरह का कुछ भी हो गया, तो ये वेट सक्शन भी करेगा, और डस्ट पार्टिकल्स और कंकड़ पत्थर, ये जो ड्राई चीज़ें होती हैं, उन ड्राई चीज़ों का भी ये सक्शन करेगा। तो वेट एंड ड्राई बोथ मोड में ऑपरेट करता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी होती है ना। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, इसके साथ आपको हेपा फिल्टर मिलता है, वॉशेबल है वो भी। हेपा फिल्टर्स ना एयर प्यूरीफायर्स में यूज़ होता है ना, वो बहुत ही मतलब बारीक से बारीक जो पोल्यूटेंट्स होता है उसको फिल्टर करने में बहुत ही सक्सेसफुल रहता है हेपा फिल्टर्स। तो वो सेम फिल्टर इसमें यूज़ किया गया, इसका मतलब ये है कि ये छोटे छोटे डस्ट को भी फिल्टर करता है, पास होने नहीं देगा, है ना, बहुत ही लाजवाब ये फिल्टर होता है हेपा फिल्टर, और वॉशेबल भी है, मीन्स आप उसको वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है, ये हम देख चुके हैं, इधर भी कुछ बचा नहीं है, अब इधर आते हैं। प्रोडक्ट जो है वैक्यूम क्लीनर न्यूट्रॉन 6000 है, ऑपरेट करता है 12 वोल्ट DC पे, है ना, और ये वॉटेज क्या है इसका, 120 वाट्स कंजम्पशन होता है, 6000 पास्कल का ये प्रेशर, सक्शन प्रेशर जनरेट करता है। मटेरियल में क्या है, ABS का प्लास्टिक मटेरियल प्लस मेटल, दोनों मटेरियल का यूज़ किया गया है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। वेट 1 किलो से कम है, 750 ग्राम 0.75 kg इसका वेट है, काफ़ी लाइट वेट हो गया। कलर ब्लैक एंड येलो में आता है, और बाकी इसमें देखा जाए तो कस्टमर केयर का एड्रेस एंड कस्टमर केयर का नंबर हमें मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो ईमेल कर लीजिए, नंबर पे कॉल कर लीजिए, या ये गुड़गांव वाले एरिया में है, दिल्ली NCR में ही है, तो इसको आप विजिट कर सकते हैं। जो MRP दिखाई जा रही है यहाँ पर वो 2499 की है, लेकिन अब हम आपको आगे बताएंगे कि हमें एक्चुअली मिलती कितने में है। तो इस प्रोडक्ट को हमने अमेजन से मंगाया है, तो अमेजन पे जो है ये आपको किस नाम से मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। अमेजन पे ये हमारा गो ड्राइव फिट स्टोर में अवेलेबल रहता है, और इस यह गो मैकेनिक न्यूट्रॉन 6000 हैंड हेल्ड सुपर सक्शन वेट ड्राई कार
वैक्यूम क्लीनर विथ 1 ईयर वारंटी फॉर ऑल कार्स, इस नाम से ही आपको मिलेगा अमेजन पे। अमेजन पे जाइए और इसका जो प्राइस होता है ना वो 1300 से 1500 के बीच में मिल जाएगा। नो कॉस्ट ईएमआई का फ़ायदा उठा सकते हैं आप इस पे, 6 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई पर भी आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और देखते हैं और इसे क्या फीचर्स है। एलिजेंट डिज़ाइन है, रिमूवेबल हेपा फिल्टर है, वॉशेबल भी है, इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हाई एफिशिएंसी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग सक्शन है, लो नॉइज है, मैक्सिमम ये 40 dB का नॉइज जनरेट करता है, 40 dB है ना। चलिए इसके साथ डिफरेंट नॉजल्स यूज़ हमें मिल जाते हैं जो हमें डिफरेंट सिचुएशंस में जो है क्लीन करने के लिए, वैक्यूम करने के लिए हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक लॉन्ग ट्यूब, एक ब्रश, एक क्लीनिंग सक्शन नॉजल एंड 2 कनेक्टर्स मिल जाते हैं और सारे चीज़ हमें ये प्रोडक्ट मिलता है 1 साल के वारंटी पे। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और अमेजन पे किस डिटेलिंग के साथ हमें ये मिलता है इसके बारे में हमने बता दिया, प्राइस रेंज भी बता दिया है ना। MRP तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मिलता उससे काफ़ी कम में है ये। चलिए अब इसको हम देरी नहीं करते हुए अब इसको हम ओपन करते हैं है ना, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि हमें सबसे पहले इस डब्बे से क्या निकलता है। सबसे पहले जो निकला वो है ये एक छोटा सा पाउच। जी हाँ, एक पाउच है, छोटा है लेकिन लंबा है, लंबा सा है, तो हम समझ ही गए होंगे। इसमें आप अपने डिवाइस को रखिए, रख कर और इस चेन की जो है इस चेन को बंद कर दीजिए। इस तरह से बंद हो गया, ये है कैरी करने के लिए हैंडल हो गया, इधर है और हाँ एक ही साइड है और बहुत आसानी से ये केसिंग मिलने से क्या होता है ना कि डिवाइस हमारा प्रोटेक्टेड भी रहता है, गंदा भी नहीं होता है, सुरक्षित रहता है। चलिए इसको हम अब साइड में रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके साथ हमें क्या मिल रहा है। इसके साथ हमें मिल रहा है एक लंबा सा लॉन्ग पाइप नोजल है ना, एक्सटेंशन के लिए शायद होगा। क्वालिटी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा मजबूत है ना ज़्यादा कमज़ोर है ना, ठीक ठाक है। चलिए इसको हम एक और साइड में रख देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। फिटिंग सही है, ये हमें मिल जाता है एक और फिटिंग, ये रहा, एक और नोजल मिल रहा है हमें। ये नोजल भी हमें ज़्यादा गंदगी जब हो जाती है तो एक साथ ज़्यादा गंदगी को सक करने के लिए ये नोजल का इस्तेमाल होता है इस तरह से है ना। एरिया इसका गोल सा सर्कुलर कट है तो ये ज़्यादा गंदगी एक बार में शक कर लेगी, तो उसका ये नोजल है, इसको भी हम रख देते हैं साइड में फ़िलहाल और बढ़ते हैं आगे। आगे क्या मिलता है, ये रहा लॉन्ग नोज टाइप जो फिटिंग है, ये देखिए, ये आपको सीट वीट के बीच में अंदर में ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ पे हमारा हाथ या कोई ब्रश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे ये आप इसको करके सपोज़ इस टाइप का हो इस तरह से करके आप ऐसे इस तरह से वैक्यूम कर सकते हैं है ना। तो ये काफ़ी रिमोट एरिया में ये रीचेबल है, बहुत अच्छा फिटिंग है, इसको भी रख देते हैं। आगे देखते हैं और क्या मिलता है हमें। आगे हमें ये रहा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। अब डब्बे को ज़रा झांक लें एक बार। यस, एक और फिटिंग बच गई है इसमें, ये ब्रश वाली फिटिंग जो है ना, ये ब्रश वाली फिटिंग हो गई। ये सपोज़ कोई डर्ट है जो काफ़ी मतलब ज़ोर से पकड़ा हुआ है सरफेस में, तो इस तरह से ब्रशिंग के साथ यदि सक्शन किया जाए तो वह जिद्दी से जिद्दी जो गंदगी है ना वो भी शक हो जाएगा। तो ब्रशिंग इफेक्ट के साथ ये आ जाता है हमारा चौथा फिटिंग्स। चलिए इसको अब हम यहाँ रख देते हैं और देखते हैं ये क्या बुकलेट्स है, क्या क्या मिलता है ज़रा देखें। ये थैंक यू कार्ड है गो मैकेनिक की तरफ से, थैंक यू कार्ड हमने इसको, थैंक यू, वी एट गो मैकेनिक आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गो मैकेनिक, थैंक यू गो मैकेनिक। चलिए ये है 1 साल का वारंटी कार्ड, 1 साल का वारंटी रजिस्टर करना है। कैसे करना है, मोबाइल हमें ऑन करना है, स्कैन करना है इस QR कोड को, स्कैन करिए, विजिट द लिंक टू रजिस्टर द वारंटी HTTP या इस लिंक पे चले जाइए या इसको स्कैन करके उस लिंक पे हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर और वेबसाइट सारा चीज़ दिया हुआ है, वारंटी रजिस्ट्रेशन भी इसमें हम फिल कर सकते हैं। अमेजन से आया हुआ है इसलिए कोई मतलब बढ़ा हुआ नहीं है ये, तो इसको भर सकते हैं, ऐसे भी बिल पर तो वारंटी मिली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप वेबसाइट पर रजिस्टर कर दीजिए, हो गया ये। तीसरा चीज़ है हमारा इसका यूज़र मैनुअल, यूज़र मैनुअल मिलता है, इसको भी तसल्ली से पढ़ा जा सकता है। वार्निंग्स, प्रोडक्ट पैरामीटर्स, ये वो फीचर्स सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। अब हम चलते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, ये देखिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, हैंड हेल्ड डिवाइस है, आराम से पकड़ने के लिए दिया है, यहाँ पे एक बटन दिया है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, प्रेस करके रखिए तब तक ये सक्शन करेगा, फिर रिलीज़ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके साथ 4.5 मीटर का ये रहा वायर, ये वायर है,
और ये रहा 12 वोल्ट का डीसी कनेक्टर, तो सिगरेट लाइटर वाले पोर्ट में हमें कार में लगा के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। वायर का भी लेंथ सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है और ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट इसका कप है, तो जो भी गंदगी होगी वो इस तरफ एकुमुलेट होगी इधर, और हमें दिखती रहेगी कि कितनी गंदगी आ चुकी है और हमें इसे साफ़ करना चाहिए, खोलना चाहिए। तो कैसे खोलेंगे वो मैं दिखाता हूँ। ये बटन यहाँ पे रिलीज बटन प्रेस करिए, है ना, प्रेस करते ही ये देखिए ये दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट में हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट कप एंड हेपा फिल्टर, और एक पार्ट में हमारा इसका मोटर एंड अदर बटन स्विच एंड केबल्स, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इस तरह का आराम से इसको इस तरह से पकड़ के हेपा फिल्टर बाहर आ जाता है। इस हेपा फिल्टर को देखिए आप, दिखाता हूँ, बहुत ही रोबस्ट, छूने से जो मुझे महसूस हो रहा है वही मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत ही रोबस्ट है, कोई ऐसा कमज़ोर नहीं है, मैं छू के देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा हार्ड है और अच्छे क्वालिटी का हेपा फिल्टर दिया हुआ है। तो इसको आप बाद में ऐसे झाड़ के करके आप साफ़ कर सकते हैं। यदि उससे भी दिक्कत हो तो आप इस डिवाइस का, इस जो फिटिंग्स है इसका मदद लेके इस तरह से ब्रशिंग करके इसके बीच में इस तरह से भी आप क्लीनिंग इसका कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी साफ़ करने के बाद और इसको भी आप झाड़ लेंगे, झाड़ने के बाद यहाँ से देखिए सक्शन होता है, डायरेक्ट सक्शन भी कर सकते हैं, फिटिंग्स ला के भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, वापस में इसको ऐसे करके इस तरह से लगाना है, है ना। ये इस तरह से प्रेस कर देना है, ये फिट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लॉक हो गया, फिट हो गया, है ना, ये रिलीज बटन है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे में जो ये नोज टैप का दिया हुआ है, इसमें सारे फिटिंग्स लगेंगे हमारे। मैं ला के दिखाता हूँ, ये जो पोर्शन है ये ऐसे सीधा इसमें इस तरह से लग जाएगा, दिखाता हूँ मैं। देखिए पुश कर देना है और कुछ नहीं करना है, पुश कर दिए, ये देखिए फिट हो गया, ये फिटिंग फिट हो गया, है ना। सिमिलरली इसी आधार पे ऐसे करके ट्विस्टिंग करके इसको निकाल देना है, इसी आधार पे ये लग जाएगा। सेम देखिए, सेम कटिंग है, इसकी कटिंग मिलाइए, इसकी कटिंग मिलाइए, सेम है। ये भी इस तरह से धीरे धीरे ऐसे 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 ट्विस्टिंग करके लगा दीजिए, ऐसे ऐसे करके फिर निकाल लीजिए, है ना। ये दोनों हो गया। अब ये कैसे लगेगा, ये लगेगा इसकी मदद से, इस पाइप की मदद से, है ना। इसको पहले इसमें लगाना है, है ना, इसको पहले इसमें लगा देना है, ठीक है। ये जो सीरीज है इसको बीच से खोलना है, ये दो पार्ट हो गए, एक पार्ट इधर से ऐसे करके, है ना, एक पार्ट इसमें लग जाएगा, एक पार्ट इसमें लग जाएगा, ये लग गया, ये लग गया। अब आप किसी भी साइड से, ये थोड़ा कम चौड़ा है और ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इससे लगाइएगा, जो ज़्यादा चौड़ा है ना उस साइड को इसमें इंसर्ट कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया, अब ये हो गया आपका पाइप वाला, एक्सटेंडेड हो गया, एक्सटेंडेड हो गया। अब इसमें इसमें आप फिर ये लगा सकते हैं, इसके आगे ये कनेक्ट कर दीजिए, इसमें फिर ये भी लगा सकते हैं आप, तो ये एक्सटेंशन टाइप का हो गया, है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप जो है डर्ट क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब लगभग सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ और कोई चीज़ छूटा नहीं है, होप। और तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको ज़रूर मिल जाए। अब आगे जो वीडियो आएगा वो आएगा इसके डेमो का, डेमो एंड रिव्यू आएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, है ना। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय श्री राम।